बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं, चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। रशिया इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुआ है अपनी एक्सपोर्ट्स को लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रशिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही हैं। रीज़न भी मैंने आपको बताई थी कि इंडिया जो है उसने रशिया के इक्विपमेंट्स को लेना छोड़ दिया। लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको एक वीडियो करके दी थी कि रशिया अपना एक सिंगल इंजन फाइटर जेट जो है उसको दुनिया के सामने रिवील करने जा रहा है 2 से 3 दिन के अंदर। उसके अलावा रशिया ने क्या किया कि रशिया ने अब अपने जो नेवल एसेट्स हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देने शुरू कर दी और उनकी एक्सपोर्ट की तरफ भी तवज्जो देनी शुरू कर दी है। देखिए, ठीक है, जहाज काफी ज्यादा महंगे होते हैं, ज्यादा नंबर्स में आप परचेस करते हैं, लेकिन ये जो आपकी बोट्स वगैरह होती हैं ये थोड़े नंबर्स में सेल होती हैं, लेकिन इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। अब रशिया की एक पुरानी मिसाइल कॉर्बेट थी, उसको उन्होंने मॉडर्नाइज किया और उन्होंने उसको बिल्कुल जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाया और उसकी उन्होंने मार्केटिंग शुरू कर दी है। इस मिसाइल कॉर्बेट को उन्होंने नाम दिया है प्रोजेक्ट 22160E। अब रशियन नाम्स बेसिकली इसी तरह के होते हैं। ये बेसिकली एक 22,000 टन की मिसाइल कॉर्बेट है, बहुत बड़ा शिप नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान अपनी जिना क्लास की कॉर्बेट्स परचेज कर रहा है तुर्की से, आप कह लें कि ये तकरीबन उसी तरह की एक शिप होगी। जून के एंड के ऊपर एक इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस शो हुआ, रशिया ने इस शिप का डिजाइन जो है उस शो के अंदर रिवील किया दुनिया के सामने। इस कॉर्बेट का जो मेन मकसद है वो बेसिकली एयर डिफेंस के ऊपर है, प्लस इसके ऊपर एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स भी रखे जा सकते हैं। इस कॉर्बेट के VLS सिस्टम्स के अंदर वो सर्फेस टू एयर मिसाइल्स रखे जाएंगे जो कि रशिया अपने S-400 के अंदर इस्तेमाल करता है। मसलन ये वाली कॉर्बेट जो है वो 16 9M-96E वाले मिसाइल जो है वो हाउस कर सकती है, 32 9M-100E SAMs जो है वो अपने अंदर हाउस कर सकती है। ये दोनों वही वाले मिसाइल हैं जो रशिया अपने S-400 के अंदर इस्तेमाल करता है। दोनों की रेंज डिफरेंट है लेकिन मिसाइल वही है जो अपने S-400 के अंदर रशिया इस्तेमाल करता है। कस्टमर की रिक्वेस्ट के ऊपर इन मिसाइलों की तादाद जो है उसको चेंज भी किया जा सकता है। 32 9M-100E SAMs की बजाय हम 96 9M-100E मिसाइल जो है इस कॉर्बेट के अंदर रख सकते हैं, यानी कि वो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो कस्टमर के मुताबिक चेंज की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि S-400 सिस्टम के अंदर 4 किस्म के मिसाइल आते हैं, ये जो कॉर्बेट है इसके अंदर भी उन्होंने 4 किस्म के मिसाइल ही रखे हैं, जिनमें से एक मिसाइल जो कि 9M-96E वाला है उसकी रेंज जो है वो 28 किलोमीटर है, 9M-100E की रेंज 10 किलोमीटर है और ये मुख्तलिफ एल्टीट्यूड के ऊपर अपने टारगेट को जो है निशाना बना सकते हैं। इस कॉर्बेट की फुल स्पीड 27 नॉट्स है, क्रूज रेंज जो है वो इसकी 4,500 नॉटिकल माइल्स है। इस शिप के अंदर एक 16,000 किलोवाट का मेन इंजन रखा गया जो इसको पावर देता है। फिर इस कॉर्बेट के फ्रंट सेक्शन के ऊपर एक 57 मिलीमीटर की नेवल गन रखी गई है, 2 मशीन गन्स हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम है, सोनार्स लगे हुए हैं, एयर एंड नेवल टारगेट सर्च रिडार्स इसके ऊपर रखे गए हैं। तो ये एक छोटी सी शिप है जिससे आप काफी ज्यादा काम ले सकते हैं। और अब रशिया जो है वो इस तरह से इक्विपमेंट बना रहा है, देखिए रशिया का जितना बड़ा साइज है उसको इतनी छोटी चीजों की जरूरत नहीं है। ठीक है, रशिया भी इनको इस्तेमाल करता है, लेकिन अब रशिया जो है उसने अपना मेन फोकस जो है वो एक्सपोर्ट की तरफ रख लिया है। वो ऐसी चीजें बना रहा है जो उसके कस्टमर जो है वो उससे परचेज करें। चलें आज की दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। तुर्की बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। अब तुर्की ने अपनी आर्मी को एक इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है और इस इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम के बारे में तुर्की का कहना यह है कि ये दुश्मन की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को जैम करेगा। यानी कि एक होती है टैक्टिकल कम्युनिकेशन वो होती है जो ग्राउंड फील्ड के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, फिर एक होती है आपकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन सिस्टम, वो ज्यादा बड़ा सिस्टम होता है जो आपकी कमांड नोड्स और आपकी जो बैटलफील्ड होती है उसके दरमियान में इस्तेमाल होता है। तो तुर्की ने कहा है कि ये सिस्टम जो है ये दुश्मन की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है। ये दुश्मन की हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो है या तो उसको बिल्कुल ही कम्प्लीटली जैम कर देगा या फिर ये उसको आप कह सकते हैं कि डिसरप्ट करेगा। उसके अलावा ये दुश्मन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर इनकोरेक्ट डाटा ट्रांसमिट भी कर सकता है, यानी कि दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हुए गलत किस्म का डाटा जो है उसको ट्रांसमिट कर सकता है और जिसकी वजह से उसकी अपनी फोर्सेज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम तुर्की ने बनाया इसके अंदर 2 पावर जनरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, ग्राउंड वेव एंटीना है, सिस्टम शेल्टर है और ये तमाम जो है ये एक 10 टन की व्हीकल के ऊपर उन्होंने रखा है और उन्होंने कहा है कि ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो सिर्फ एक व्हीकल उठा के लेके जा सकती है और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये कहीं भी छुप के काम कर सकती है। इसकी सर्वाइवेबिलिटी बहुत ज्यादा बेहतर है, इसकी मोबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है टैक्टिकल एरिया के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त UAVs की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये वाला जो सिस्टम है ये लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी जो है वो जैम कर सकता है। तो आने वाले दिनों के अंदर ये दुश्मन के UAVs के लिए भी बहुत बड़ा खतरा होगा।
चलिए अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो यूरोप के यूरोड्रोन के हवाले से है। यूरोप ने अपने यूरोड्रोन सिस्टम के अंदर 100 मिलियन यूरोस की ग्रांट जो है उसको अप्रूव कर दिया और ये बात समझी जा रही है कि 7.1 बिलियन यूरोस का एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अक्टूबर के अंदर साइन किया जाएगा। ये यूरोड्रोन जो है ये बेसिकली एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसको आप मेल ड्रोन भी कहते हैं। और जब यूरोपियन कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट के लिए 100 मिलियन यूरोस की ग्रांट दी तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अब अपने ऊपर सेल्फ रिलायंट होना चाहती हैं। यूरोप जो है इस वक्त बहुत ज्यादा अमेरिकन और इसराइली यूएवीज को इस्तेमाल करता है। तकरीबन तमाम यूरोपियन कंट्रीज जो है वो इस वक्त अमेरिकन या इसराइली ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि पोलैंड अमेरिका से 250 एब्राहम टैंक्स खरीदने जा रहा है। तो एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि यूरोप जो है वो सेल्फ रिलायंट हो रहा है, अमेरिका से जान छुड़ा रहा है, दूसरी तरफ पोलैंड जो है वो 250 टैंक परचेज करने जा रहा है। वेल आपको एक बात समझनी चाहिए कि दुनिया का जो बेहतरीन असल है वो आज भी अमेरिका के अंदर बन रहा है। अमेरिका इस वक्त दुनिया के बेहतरीन और हैवी टैंक्स बना रहा है, पोलैंड को जरूरत है। देखिए बेसिकली प्रॉब्लम कहां पे आती है, जहां पे अमेरिका यूरोप को उसका अपना असला जो है वो किसी तीसरे मुल्क को बेचने से रोक देता है। अमेरिका ने बेसिकली एक लॉ पास किया हुआ है, उस लॉ को उन्होंने नाम दिया हुआ है इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन। इस लॉ के तहत अगर कोई भी असला जिसके अंदर 2% अमेरिकन इक्विपमेंट शामिल है तो उसको सेल करने से पहले आपको अमेरिका की प्रायर अप्रूवल चाहिए होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मैं बार बार एक ही मिसाल देता हूं। जैसे ग्रिपन एक जहाज है जो कि स्वीडन का बनाया हुआ है, उसके अंदर अमेरिकन इंजन इस्तेमाल होता है। तो स्वीडन ने जब यह जहाज अगर किसी को सेल करना है तो उसको पहले अमेरिका से अप्रूवल लेनी पड़ती है। यूरोप इस चीज से जान छुड़ाना चाहता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यूरोप टोटली जो है वो अपनी तमाम चीजें खुद से बनाना शुरू कर दे, उसको अमेरिका से चीजें परचेस करनी पड़ेंगी। जिस तरह अमेरिका भी जो है वो भी BAE सिस्टम से बहुत ज्यादा चीजें परचेस करता है। अमेरिका के F-35 जहाज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है वो इंग्लैंड की कंपनी BAE सिस्टम का बनाया हुआ है। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये जो ममालिक है ये एक दूसरे से कोई भी चीज परचेज ना करें। लेकिन होता यह है कि जो आपको प्रॉब्लम पेश आती है अपनी चीज को सेल करने के लिए किसी तीसरे मुल्क को, वहां पे जो है आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो इस वजह से ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन्होंने ये फैसला किया कि हम जो चीज खुद से बना सकते हैं उसको हम क्यों अमेरिका या इसराइल से परचेज करें। तो ये जो यूरोड्रोन है इसको बेसिकली फ्रांस की एयरबस कंपनी बना रही है, दासो एविएशन बना रही है, इटली की लियोनार्डो जो है इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है और आने वाले दिनों के अंदर इन्होंने फैसला किया कि हम 60 ऐसे ड्रोन जो है वो बना के स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस के हवाले करेंगे। तो बेसिकली यूरोप फ्री होना चाहता है अमेरिका की बदमाशी से। अमेरिका जब भी कोई छोटी सी चीज किसी को देता है तो वो उसके बाद बदमाशी शुरू कर देता है कि ये चीज आप किसी और को सेल नहीं कर सकते, आपने मेरा ये वाला पुर्जा इस जहाज के अंदर इस्तेमाल किया है, अब आप अपना जहाज जब भी सेल करेंगे मुझसे पूछ के करेंगे। आज की अगली और आखिरी खबर जो है वो इंडिया के तेजस के हवाले से है और वो भी पिछली खबर से थोड़ी सी रिलेटेड है। खबर ये आ रही है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ एक मुआहदा करने जा रहा है $700 मिलियन का, जिसके तहत इंडिया अपने तेजस जहाजों के लिए जेट इंजन खरीदेगा अमेरिका से। इस वक्त जितने भी तेजस इंडिया ने बनाए हैं उनके अंदर भी अमेरिकन इंजन इस्तेमाल हुआ हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक मुआहदा किया 83 LCA तेजस MK-1A फाइटर जेट्स का। अब ये MK-1 फाइटर जेट और तेजस MK-1A फाइटर जेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी इंडियंस कहते हैं कि इसके अंदर डिफरेंस है। इंडियन एयरफोर्स ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है हाल को। इसके लिए हाल को अब इंजन की जरूरत है। इंजन जो है ये इंडिया अमेरिका से परचेज करेगा, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के 404 इंजन। इस वक्त जितने भी तेजस इंडिया के अंदर उड़ रहे हैं उनके लिए भी जो इंजन है वो अमेरिकन GE-404 इंजन ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इंडिया इस वक्त ट्राई कर रहा है कि वो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ मिलकर एक इंजन बनाए और इंडिया अपने जो फ्यूचर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है उसके लिए वो ये नया इंजन जो है वो अमेरिकन की बजाय ये फ्रेंच और इंग्लैंड का इंजन जो है उसको इस्तेमाल करे। लेकिन बात फिर वही आगे कि इंडिया जो है वो इंजन अमेरिकन इस्तेमाल करेगा, फिर इंडिया ने अगर ये तेजस जहाज किसी को भी सेल करना होगा तो उसको अमेरिकन अप्रूवल की जरूरत होगी। तो वहां पे आके तो फिर आपको अमेरिका के साथ भी निगोशिएशन करनी पड़ेगी, उस मुल्क के साथ भी निगोशिएशन करनी पड़ेगी। इस वक्त जुलाई 2021 चल रहा है, अभी इंडिया ने इन 100 जेट इंजन का जो है वो ऑर्डर प्लेस करना है। निगोशिएशन तकरीबन खत्म हो चुकी हुई है, ऑर्डर प्लेस करने की बारी आ गई है, लेकिन ये जो 100 इंजन है इसको भी बनते टाइम लगेगा, फिर ये 83 जहाज जो है इनको टाइम लगेगा। तो इंडिया का जो तेजस है वो इंडियन एयरफोर्स ने खुद से खराब किया। मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो पहले दिन से क्लियर थी कि उसने तेजस के साथ करना क्या है। तो इस प्रोजेक्ट के डिले के अंदर मैं सीधा इंडियन एयरफोर्स को जो है वो इल्जाम देता हूं कि उनके अंदर इतने ज्यादा जुरत नहीं थी, उनके अंदर इतने ज्यादा गट्स नहीं थे कि वो अपनी बनाई हुई चीज जो है उसको परचेस करें, उनके अंदर इतना ज्यादा हौसला नहीं था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने तेजस को आगे लेके नहीं जाना था, ये जहाज बनाया गया था इंडियन एयरफोर्स के लिए, इसको आगे लेके जाना था इंडियन एयरफोर्स ने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।